अब यहाँ पे देखो, इसमें जाना आपको एक्सपोर्ट में जाना है, यहाँ पे डी डब्ल्यू जी करना है, दिख रहा है यहाँ पे। इसमें आ रहा है यहाँ पे ऑल व्यूपोर्ट सीट मॉडल, और ऑल चाहिए तो सारे आ गए यहाँ पे, मतलब सबको आपको एलिवेशन बनाना, सबको दिख रहा है यहाँ पे। आपको ये भी चाहिए, सभी चाहिए। आपको सीलिंग प्लान भी चाहिए, फ्लोर प्लान चाहिए आपको, दिख रहा है यहाँ पे। फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर हो गया, और कौन सी है, फर्स्ट फ्लोर हो तो लगा हुआ है, एलिवेशन भी चाहिए आपको सारे, ठीक है। इसका 3D व्यू भी चाहिए, और क्या चाहिए आपको, बस ये भी चाहिए आपको, हो गया ना यहाँ पे। आप इसे नेक्स्ट कर दो, वहाँ सेव करना है, एक फोल्डर बना लो यहाँ पे, कैट रेविट, ठीक है। इसको ओपन करके इसके अंदर सब कुछ ठीक है कर दो, सेव हो रहे सारे, समझ में आ गया। तो सब एक साथ ही हो जाएंगे, इससे पहले PDF बनाए थे जिस पे टिक लगाओगे तो सारे हो जाएंगे। टाइम लगेगा भी होने में। हो गए सारे, जाते हैं हम इसमें डाउनलोड में, आ गए। ये पिक्चर उसमें लगी थी ना, इसमें लोगों के डर, वो भी आ गए देखो इसके अंदर। हाँ तो सब भी बना दिया हमने, देखिए एक बैकअप भी बन गई ना उसके साथ में, बैकअप भी तो आ रही है, 3D भी आ गया। ये है बढ़िया चीज, बनाने की जरूरत ही नहीं है, यही तो बन रहा है, ठीक है। पूरा मॉडल आ गया, पूरा डेस्कटॉप दे दिया हैं। और आपको यहाँ पे साउथ एलिवेशन चाहिए, सारे आ गए, ये सही चीज बताइए आप, ठीक है। और सीलिंग वाला बता सर, ठीक है। लाइट लगाई थी, और इसके बाद आपको फ्लोर चाहिए, कौन सा फ्लोर चाहिए, फर्स्ट फ्लोर, कल वाली बात चेक कर लो तुम, चलो कल वाली ये चेक कर लो, आ गया बढ़िया है ना, इसमें ये ऊपर का भी आ रहा है, नीचे का भी आ रहा है, ये डबल डबल आ रहे सर, जैसे कुछ चीज ओवरलैप हो जाती है इसमें, हेडर मार दो, ठीक है भाई। डाउट से यहाँ तक देखो, जो कट रहा है ये सी पे है, दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो लाइन है ये वो है, कोई चीज एक्स्ट्रा तो हट जाएंगे, वो देख रहे हैं ना, क्लियर हो गया ना। तो आप इस तरह से फाइल को डी डब्ल्यू जी भी कन्वर्ट कर सकते हो, इस सीट से दिख रहा है, ये सब सीट के अंदर आई थी ना ये ड्राइंग, ये देखो। देखो लेआउट आ गया इसका, मॉडल में कुछ नहीं है, लेआउट में समझ गए, लेआउट अपने आप सेट हो गया, आ गए लेआउट बन गया पूरा अपने आप ही, और लेआउट के सारे प्लान अलग अलग भी आ गए यहाँ पे, जो लेआउट में है लेआउट पूरा है, अब लेआउट के अंदर जो चीजें है वो यहाँ पे आ रही है, देखो ये भी था उसके अंदर, सारी ड्राइंग्स अलग बनी, लेआउट अलग बना, लेआउट के अंदर जो ड्राइंग्स थी वो अलग, वो अलग, टाइम बच गया, सर रेविट ऑटो कट के दोनों सॉफ्टवेयर है तो रेविट बनाओ तुरंत, ऑटो कट में चेंज करो, क्लाइंट को दिखा दो, सब इसमें तो टाइम भी कम बचेगा, काम ज्यादा होगा।